सारी जिम्मेदारी आप क्या हमारी है, आपकी पार्टी के नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी पार्टी के नेताओं का कोई दायित्व नहीं है। आपको लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को तो आप समझा नहीं सकते, तो हिमांशु द्विवेदी जी को ही समझा लिया जाए, यही आशय है आपका? नहीं, आशय ये तो नहीं है हमारा। आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आपने दुनिया देखी है, हम जी आपको कैसे समझा सकते हैं। जी पर अपनी बात कहने का हक तो हमें है। जी पार्टी पार्टी की तरफ से जब आपने मुझे एक वरिष्ठ नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में बिठाया है, तो मैं अपनी बात तो करूंगा कि अंदर की जो वास्तविकता है, जो एकजुटता है, उसमें कम से कम आप विघ्न बाधा मत डालिए, सब रिजॉल्व अरे हो मैं क्या जाएगा। विघ्न बाधा डाल रहा हूं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो बता रहे हैं, ये सचिन पायलट है ना, भाजपा के हाथों बिक गया था, 10-10 करोड़ रुपए इसने खुद भी लिए और अपने साथ के विधायकों को भी दिलवाए, इस प्रकार का आरोप उन्होंने लगा, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से करवाए। जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उसको मध्य प्रदेश की धरती पर हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ चलते हुए देख रहे हैं, तो हम जानना ये चाहते हैं प्रताप भानु जी कि कांग्रेस पार्टी की पीठ में तथाकथित तौर पर छुरा घोंपने वालों को इतना ज्यादा महत्व, इतना ज्यादा प्रश्रय क्यों मिल रहा है, ये सवाल हमारे जहन में आ रहा है। अशोक गहलोत जी ये सवाल पैदा करा रहे हैं, तो थोड़ा बताइए ना इसके संदर्भ में, अशोक गहलोत की बात को महत्व ना दें कि हम लोग, आप ये चाहते हैं? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। अरे अशोक गहलोत भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के अच्छे कुशल संगठक हैं, और उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत मिला। तो ये आप जानते हैं कि किस तरह से भाजपा के लोग, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एक सौदेबाजी से उस सरकार को हटाना चाहता था 2 साल पहले। ये अशोक गहलोत जमीनी आदमी है, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से, कुशल नेतृत्व से उसको बचा लिया, और उसमें सचिन पायलट का भी पूरा सहयोग मिला। जिस भी तरह से विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी, सचिन पायलट उसमें कोई पार्टी थे या उनसे उनकी देखरेख में यह हो रहा था, ऐसा नहीं था। अरे गहलोत परंतु साहब बोल जैसा रहे हैं, भाजपा का, अरे प्रताप भानु जी 1 मिनट रुकिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये गहलोत साहब बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस बात का सबूत है मेरे पास, पायलट समेत प्रत्येक विधायक को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यही तो उलझन है ना, आप कह रहे हैं कि पायलट जी तो सरकार बचाने में लगे थे, गहलोत जी बता रहे हैं कि हमारी सरकार को निपटाने में लगे थे। दूसरा उन्होंने एक और बात कही, ऐसे गद्दार को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब दोनों बात में कुछ तो कही है, ऐसा नहीं चलेगा प्रताप भानु जी। देखिए गद्दार तो दोनों ही नहीं कह सकते, और ये शब्द सही शब्द नहीं है। गद्दार तो वो है जो कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, जिन्हें भाजपा के साथ सौदेबाजी करी है, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो मणिपुर के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक के लोग हों, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों, चाहे वो गोवा के लोग हों। गद्दार तो वो है जिन्होंने जनता के जनमत को ठुकरा दिया, जो जी जिस बहुमत से सरकार जो चुनी थी, जो जनता ने एक निर्देश दिया था, एक मैंडेट दिया था, उसके साथ गद्दारी करी, वो गद्दार की श्रेणी में आएंगे। हम इनमें से किसी को ये नहीं कह सकते। और कैसे अशोक गहलोत ने किस संदर्भ में ये कहा, यह मुझे जानकारी नहीं है। बड़े उलझन की बात है, जिसको पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी, उस व्यक्ति के द्वारा इतनी गंभीरता के साथ में आरोप लगाए जा रहे हैं, और प्रताप भानु जी कह रहे हैं हम नहीं मानते इस बात को, तो सवाल है, जिस नेता की बात की अहमियत इन लोगों की निगाह में नहीं है, उसकी अहमियत जनता के बीच में क्या रहेगी, ये सवाल पैदा होता है। लेकिन मैं सुखप्रीत जी के पास मैं बाद में जाऊंगा, पहले आशुतोष जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं, ये चल क्या रहा है आपके राजस्थान में आजकल? बता दें कि बॉलीवुड में पिक्चर अच्छी नहीं बन रही है, कोई सुपरहिट नहीं हो पा रही है, तो क्या उस कमी को पूरा करने का दायित्व राजस्थान ने ले लिया, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। थोड़ा आशुतोष जी बताइए ना, राजस्थान में चल क्या रहा है, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसको क्या बनाना चाह रहा है, और इस चक्कर में बन क्या जा रहा है, थोड़ा रोशनी मिले आप जैसे सुधी राजनीतिक विश्लेषक से। देखिए हिमांशु जी, आपने सही कहा है बिल्कुल।